तो बेसिक आइटम्स तुमको यही चारों दिखाई पड़ेगा। अच्छा एक और ऐड हो जाता है इसमें फास्फोरस, ठीक है, जो मतलब क्या बोलते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन को दिखाई पड़ता है फास्फोलिपिड में, याद है बनाए थे अगर फास्फोलिपिड हम, देखो कुछ इस तरह से था ओके याद है, ये हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। और देखो ये जो OH साइड है ना, ये OH साइड आ जाता है और इससे देखो चूज कर जाएगा। देखो ये फास्फोरस जो है ना, फास्फोरस जो है वो 6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, बाकी एटम्स के साथ वो 6 बॉन्ड बनाता है। देखो किस तरह से बॉन्ड बनाता है, इस तरह से देखो, ठीक है, OH OH और ये इसका OH, ये कंबाइन हो जाएगा, यहां पे ये रिलीज हो जाएगा। देखो यही है हेड, ठीक है, इसको देखो फिर से बात करते हैं। देखो यही है एक फॉस्फोलिपिड, यही है एक फॉस्फोलिपिड, और याद है ऐसे इस तरह जुड़ा हुआ था सेल में, ये क्या है, जब भी कहीं दिखे तो इस तरह का समझ जाना है, यही वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो हेड है ना, ये ग्लिसरॉल है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड से बनता है इसका हेड फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। और ये जो टेल है ना, ये वाला, ठीक है, ये कार्बन का चेन होता है, ठीक है, यहाँ पे सब जगह कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, इस तरह से देखो, इस तरह से प्रेजेंट है कार्बन, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो ये अगर फॉस्फोलिपिड को देखें हम, इसमें जो बेसिक आइटम्स को क्या है बताओ, फॉस्फोरस है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी कि लाइफ के लिए कुछ आइटम्स ही एसेंशियल है। कौन कौन से आइटम एसेंशियल है मेनली, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और साथ में एडिशनल ले सकते हैं फास्फोरस, ठीक है। सर यहां पे थोड़ा सा होता है, हां बताओ क्या बोला, बोलो ये जो बता रही है रेड है कुछ, इसको देखो आपको बता होगा लिपिड बना होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, ठीक है ना, लिपिड से बना होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है, लिपिड को अगर हम फास्फो लगा दें आगे में, इसका मतलब कहने का फास्फोरस भी होगा, ठीक है, यानी एक्चुअली फास्फोरस नहीं होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये वाला चीज, ये फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, ठीक है, H3PO4, देखो है H3 और PO4 है, देखो चार ऑक्सीजन है, तीन हाइड्रोजन है ना, और ये फास्फोरस है, देखो H3PO4। तो जब फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फास्फोरिक एसिड तीनों मिलता है आपस में, तब बनता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इसका नेचर, यानी जैसे ही तीनों आपस में कंबाइन करता है तो नेचर में चेंजेस आता है, नेचर क्या, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, यानी कुछ पार्ट जो होता है इस फॉस्फोलिपिड का वो अट्रैक्ट होता है वाटर की तरफ और कुछ पार्ट वाटर से दूर भागता है, ठीक है। तो जो वाटर से दूर भागता है जो पार्ट, ठीक है, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक, क्या कहते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक दो वर्ड्स मिलकर बना है, हाइड्रो इज वाटर, फोबिया इज डर, ठीक है, फियर, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक एक पार्ट जो इसका है वो है हाइड्रोफिलिक, यानी हाइड्रो मींस वाटर, फिलिक मींस लव, ठीक है, फिलिया यानी वाटर से उसको प्यार है, तो पानी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, ये है हाइड्रोफिलिक, और ये सब जो है ये है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तभी तो सेल मेम्ब्रेन देखो इस तरह से होता है, देखिए दुबका हुआ है, देखो वो छुपाए हुए अपना है ना, इधर भी वाटर कोई दिक्कत नहीं है, इधर अंदर ही वाटर होता है, साइटोप्लाज्म में मेनली वाटर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। और इसी वजह से जब ऑस्मोसिस पढ़ाएंगे ना, ऑस्मोसिस जब आएगा तब बताएंगे, बताए ऑस्मोसिस सुरन का कार्बन लो अंदर है ना, भर दी ले नहीं वो तो कौन सा है, अरे वैसे ही देखते हैं, ठीक है, समझो यहाँ पे वाटर है ही नहीं, ठीक है, वाटर यहाँ पे है ही नहीं, वाटर हो ही नहीं सकता, अगर होगा भी तो रिपेयर हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अच्छा किसी भी सेल के अंदर वाटर इंटर इसका मतलब नहीं कर सकता है, क्यों इंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ सब ठीक है भैया प्यार है, पीछे जैसे आएगा तो यहाँ पे प्यार नहीं है तो भगा देगा वो, वाटर इंटर कर नहीं सकता सेल के अंदर। इसी वजह से सेल में यानी सेल के मेम्ब्रेन में बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं है ना सेलुलर प्रोटीन, ठीक है। अच्छा दिखाते हैं कुछ, देखो